रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के छतरपुर मंदिर में, जहां पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन 4 दिन चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम के आयोजक राजेश सिंह जी। राजेश जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ। हमारी समिति जो इसका आयोजन कर रही है, उसका नाम नमो सद्भावना समिति है। जिस तरह से आप नाम से ही परिलक्षित होता है कि हम सद्भावना पे विश्वास रखते हैं, और ये महायज्ञ का नाम विश्व शांति महायज्ञ है। हम लोग की ऐसी भावना है, और हम लोगों की जैसे कि पुरातन संस्था में यह कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उससे पता चलता है कि हम लोग हमेशा सबके सुखीपन की बात करता हूँ, सबके समृद्धि की बात करते हैं, और उसी के आधार उसी पे आधारित है हमारी ये संस्था का इस अवसर का आयोजन। ये जो आयोजन है, इसमें क्या क्या यज्ञ के अलावा और क्या क्या होगा और क्या क्या होना है? देखिए, एक जो हमारी सनातन रीति के पे आधारित ये यज्ञ है, इसमें आप देख पाएंगे इसमें 4 द्वार हैं। चारों वेदों के नाम से ये द्वार दिया हुआ है, और इसमें 5 यज्ञ मंडप बने हैं। माँ शक्ति का है, माँ शक्ति, उसके अलावा रुद्र का है, गणपति के हैं, सूर्य का है, और धन्वंतरी महाराज का है, जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें बड़े बड़े हमारे सनातन धर्मावलंबी जितने भी हमारे पीठाधीश हैं, अलग अलग क्षेत्रों के पीठाधीश हैं, वैदिक आचरण में समागम करने वाले पंडित हैं, उन सबों का यहाँ पे समागम है। उनसे उचित आशीर्वाद पाने का सौभाग्य इस धरा पे, इस छतरपुर पे सबको मिले, इस आयोजन का मुख्य आधार यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नेक कार्य है। विश्व की शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस तरह के आयोजन आज के युग में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर तरफ कई युद्ध चल रहे हैं, कई आपस में लोगों का वैर भाव। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS News। शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। Oh, no.
राजधानी के छतरपुर मंदिर में विश्व शांति महायज्ञ के उपलक्ष में बनारस से विशेष तौर पर पधारे पंडितों द्वारा गंगा आरती का दृश्य, बहुत ही मनोहारी दृश्य।